इब्लीस लेके आ जाओ। इब्लीस ने इंग्लिश लेके आई है। ओके यार, जलादीन और यास्मीन दोनों ने अपना भेस बदला हुआ है, हकीम बन के आ गए हैं। मतलब क्या ये एक्चुअली चल रहा है, क्या चल रहा है ये सब बकवास? तो हम दोनों बेसिकली ये नहीं, इनका ऐसा प्लान नहीं था आने का, बट इन्हें आना पड़ा बिकॉज मैं फंस गया इन बिटवीन सीन में। तो मेरी मदद करने के लिए इन्होंने नाज का एक कैरेक्टर इन्होंने बनाया और वो आ गई, अदरवाइज मैं अकेला ही ऐसे हकीम बन के अपने भाई जिनू को बचाने जा रहा था। ओके मतलब अमीर कैसा लग रहा है, मतलब इस अवतार में लाइक पूरा बुरखा एंड ऑल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज देर सो मेनी वेरिएशन आई कैन ट्राई इन दिस, बिकॉज माई यूजुअल कैरेक्टर इज टू सीरियस फॉर मी टू ट्राई एनी थिंग, एंड ह्योर आई कैन जस्ट गो ओवर द टॉप, मे बी जस्ट ट्राई टू यू नो हैव फन, सो आई एम डूइंग दैट। ओके अलादीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे, यास्मीन का ये अवतार मतलब बेगम नाज कैसी लग रही है, तो काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर है उनका। मतलब पहली बार में तो मैं भी शौक हो गया था कि ये कौन आ गई, बट उसके बाद ये आवाज़ भी चेंज हो गई है और इवन मैं भी अपनी आवाज़, हम दोनों अपनी आवाज़ चेंज करके बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, क्या बताएं आप लोगों को। तो इसी में सीन हो रहा है और मैं बना हूँ हकीम ताकि मैं अपने भाई को ठीक कर सकूँ, और यह हमारी बेगम बनी है नाज। हम नाजो बेगम है। जफर के भी काफ़ी मज़े ले रहे हैं आप लोग, प्लस चाची के भी काफ़ी मज़े, मतलब सबकी बेइज्जती होने वाली है इस सीन में। बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत बेइज्जती हुई है, दोनों की बहुत बेइज्जती कर रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं इस सीन को करते करते, और बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग कुछ भी एक्चुअली, एंड इट्स एक्चुअली कमिंग आउट वेरी नाइस, एंड आई होप कि ऑडियंस को पसंद आए। डेफिनेटली, सो डू वॉच अलादीन एंड सिनेमा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैंने अटैचमेंट देखा सीरियसली, लाइक जफर इब्लीस की गुस्सा में आ गए हैं, कुछ लेने आए हैं या मतलब बदला लेने आए हैं, जो हो रहा है बदला लेने आए हैं, इब्लीस को खत्म करने आए हैं। आप ये जमजम हासिल कर लिया है फाइनली हम लोगों ने, ये जफर की चाल है, उसका आप ये जमजम डाल के उसे खत्म कर दिया। काफ़ी खतरनाक दिख रहे हैं, किस तरह टैकल करने वाले हैं जिनू और जफर। हाँ खतरनाक तो है, बट इनकी टीम भी बहुत मजबूत है, जफर है, अलादीन है उसमें, शहजादी है, प्लस जिनू है साथ में, तो चार इस तरफ है, एक उस तरफ है। ओके अलादीन इसमें साथ में, यास्मीन साथ में, कितना सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है दोनों से, आप जिनू और आपको? सपोर्ट तो है, एक से भले दो जैसा कहते हैं, यहाँ तो चार हैं, सपोर्ट सिस्टम तो है, और जितने ज़्यादा लोग होते हैं तो इसमें काम आसानी हो जाता है। लास्ट फाइनली आज उनका अंत हो जाएगा इब्लीस का? हाँ इंशाल्लाह। ऑब्वियसली इट्स अ बिग रेवलेशन फॉर हर, और बहुत ही बड़ी चीज़ है ऑब्वियसली यास्मीन के लिए, बिकॉज वो कितने टाइम से सीज़न वन में भी, एवरीवेयर, सीज़न टू में भी, एवरीवेयर शी वॉज जस्ट सो ब्लाइंड टू सी द ट्रूथ, एंड शी कुडंट सी इट दैट जफ़र ने ही सब कुछ किया है, जफ़र ने अलादीन को मारा, मतलब मारने की कोशिश की, और जफ़र ने ही मेरे अब्बू को मारा, जफ़र ने ही बगदाद के साथ हर वो गलत चीज़ की जो वो यास्मीन नहीं चाहती थी हो, और जफ़र ही मुच्छड़ था, सो एवरीथिंग, एवरी पेन इन हर लाइफ वॉज फ्रॉम जफ़र, और अभी जाके उसे ये रियलाइज़ हो रहा है, सो राइट नाउ इट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर हर, बिकॉज उस वो बहुत गिल्ट में है कि उसने अलादीन को मरवा दिया और अपने अब्बू को, मतलब सामने पता भी नहीं चला कि अब्बू का कातिल कौन है, सो राइट नाउ इट्स अ बिग 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 सीन फॉर यास्मीन। किस तरह से आपको पता चला कि जफर ही है वो गलत इंसान जो अलादीन को अभी तक आज कैसे पता चला? एक्चुअली वी जस्ट शॉट दैट राइट नाउ, और अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी उसके बारे में, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखें, बिकॉज सब लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर्स पे बहुत काम किया है और बहुत वर्क करके ये सीन बनाया है। ओके नसीम, आज अलादीन को बहुत ही प्यार से बुलाया जा रहा है, जिनसे काफ़ी नफरत इतने दिनों से चल रही थी, आज अलादीन ही आ जा रहे थे। ऑब्वियसली यास्मीन के दिल में एक सॉफ्ट जगह तो हमेशा ही थी अलादीन के लिए, इवन वंस ही केम बैक एज अ रू शी ट्राइड एंड सपोर्ट हिम, एंड उसने कितना कुछ किया, सब लोगों को इकट्ठा किया पूरे बगदाद को, कि शायद वो सच दिखाए और शायद अलादीन ही यू नो कातिल नहीं है, बट तब वो कुछ गड़बड़ हो गया था अगेन, एंड देन शी डिडंट ट्रस्ट हिम अगेन, बट राइट नाउ अलादीन को बहुत याद कर रही है यास्मीन, और उसको फाइनली रियलाइज़ हुआ है कि अलादीन ही था जो हमेशा उसको सपोर्ट करता था। कहीं ना कहीं यास्मीन अलादीन गए नहीं है, मतलब यू नो अली के रूप में है वहाँ पे, वो आपको पता नहीं है, पर किस तरीके से ये रिवील होने वाला है? अली का रूप तो अभी तक यास्मीन को भी नहीं पता है, और अभी तो रिवील नहीं होगा, सो वी कैन कीप इट लाइक दैट, बट अ गुड न्यूज़ फॉर द व्यूअर्स डेफिनेटली, वो वेटिंग की ट्रूथ बाहर आए, एंड फाइनली इट्स आउट।
संदूक वाला सीन क्या था? हम देख रहे थे आधी संदूक के अंदर थे और फिर अचानक से वो बाहर आ गए। नमस्ते, मेरा नाम है सोनम भोजवानी। आप सब मुझे जीनी मिनी के किरदार में जानते हैं, फ्रॉम अलादीन नाम तो सुना होगा। अभी फ़िलहाल तो काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, बिकॉज़ अली अब तक अलादीन का भूत बना हुआ है और ज़फ़र आ गया है, तो हमें पता नहीं हम क्या करें। एंड उसमें हड़बड़ाहट में जो कर रहे हैं, छोटा जीनी संदूक बन गया है, उसके अंदर हमने अली को डाल दिया है, यू नो, जब तक वो रंग उनका हटे अलादीन के भूत वाला। तो वो संदूक उसका था। हाँ, हम तो ज़फ़र को लेकर गए थे बाहर कि जाइए आराम कर लीजिए, हम भाईजान को भेज देंगे, पर उन्होंने हमको तोते कौवे दिखा के बाहर छोड़ के वो खुद अंदर भाग गए। तो अब देखते हैं कि नहीं अली भाईजान उन्हें वहाँ मिलते हैं कि नहीं। ओके, सो मिशन मतलब क्या लगता है, ये जो आपका अली और आप सबका मिशन है ज़फ़र से सारी सच्चाई बुलवाने का बगदाद के सामने, कि कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है उनका सच्चाई? नहीं, हर बार का है यार, इतने दिनों से हम ट्राई कर रहे हैं कि चलो अब सच्चाई आ जाएगी, अब बोलेगा। तो कई बार चाची आ जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी यास्मीन आ जाती है। तो अभी भी देखो, सब तो पूरा हो गया, हमें जुनून का चिराग मिल गया, सब हो गया, पर अभी देखते हैं फिर से कुछ झोल ना हो जाए ब्लास्ट में। ओके, सो आगे कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स, बिकॉज काफ़ी मतलब अली अलादीन बन रहे हैं, ज़फ़र की सच्चाई आने वाली है सबके सामने, और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं? बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरी और जीनू की जो लव स्टोरी है वो थोड़ा एक लेवल आगे जाएगी। यू नो, यास्मीन और अलादीन का जो था, अभी सच्चाई अगर पता चल गई यास्मीन तो ऑफकोर्स वो लव स्टोरी भी कहीं जाएगी, ये वो। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो काफ़ी सारे आने वाले हैं और अच्छे वाले आने वाले हैं। यू नो, सब एक एक लेवल ऊपर हो रहा है अब। थैंक यू सो मच। वेल, जो हमने कल सीन शूट किया था उसमें ऐसा था कि वहाँ पे मैं ज़फ़र से सारा सच उससे बुलवा लेता हूँ और एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ जगह पे, लेकिन उस समय मैं अलादीन का भूत रहता हूँ और मुझे तुरंत चेंज करके ज़फ़र के पास जाना होता है अली के लिबास में। इसलिए भाग के अपने रूम में आता हूँ, जैसे चेंज कर रहा होता हूँ ज़फ़र आ जाता है, तो इसलिए उसे छुपने के लिए सब कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमने प्ले किया है, थोड़ा सा उनको हमने उल्लू बनाया है ज़फ़र को, जो अब तक बनाते आ रहे हैं, और ताकि हम उनसे किसी भी तरह सच निकलवा लें और वो डर जाएं, क्योंकि इस वक्त वो डरे हुए हैं, डर के मारे वो सारा सच खुद से बोल रहे हैं। मिशन कहाँ तक पहुँचा है? मतलब मिशन एक तरह से सक्सेसफुल होने वाला है, सब कुछ आ चुका है मेरे पास, सारे सबूत आ चुके हैं, अब बस वो सारे सबूत पूरे बगदाद के सामने दिखाना बाकी है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए बस। What's happening on set, for that watch behind the scenes video and no doubt, but जो fans हमें प्यार देते हैं, जो इतनी blessings देते हैं, उसकी वजह से ये show और इतना hit है और लोग इतना पसंद कर रहे हैं। एंड अगर स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है, अली जिस मिशन के लिए आया था वो मिशन पूरा होने वाला है बहुत जल्द। यास्मीन और अलादीन फिर से मिलने वाले हैं, ये तो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं आगे लेकिन हाँ, ज़रूर मिलेंगे। ज़फ़र ने सारी मतलब अपनी पोल खोल दी है अलादीन को कैद देखे आज। हाँ, जो प्लान था अली का और उसकी टीम का वो बहुत अच्छे से पूरा हो चुका है। ज़फ़र ने अपनी सारी पोल पट्टी खोल दी, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो एक चीज़ में रिकॉर्ड भी हमने कर लिया है अंगूठी में, और अब देखते हैं कि वो आगे उस सच को कैसे सबके सामने प्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी भी ज़फ़र लोगों के सामने तो कबूल नहीं करेगा, इवन उसने अली के सामने भी अभी तक कबूल नहीं किया है, तो इसीलिए अभी अली का मिशन पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ अंटिल अनलेस वो जाके लोगों को यकीन ना दिला दे कि हाँ, he is the main traitor. अभी तक तो वैसे डाउट नहीं हुआ है ज़फ़र को अली के ऊपर, बट हो सकता है कि डाउट हो, क्योंकि आपने उनको कहा था कि कैद हो जाएंगे अलादीन उस पे, बट वो भूत तो हैं। जी हाँ, कहा तो था, लेकिन हो सकता है कि मैंने उससे कहा था कि आप इस जाल में वो कैद हो जाएंगे, बट नहीं हुए, सो वो मे बी वो सोच सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम, बट यस, कहीं ना कहीं उन्हें डाउट तो डेफिनेटली होगा। ज़फ़र ने क्या, और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ चिराग भी आ गया है अभी जी। तो
जफर ने क्या क्या पोल खोल दिए अलादीन के सामने? उसने वो सारी पोल खोल दी जो उसने अलादीन के साथ किया था, उमर का कत्ल, मेरी ज़िंदगी ख़राब करना, सब कुछ जो भी उसने किया था पूरे शो में वो सब बता डाला। यास्मीन के रिलेटेड भी कुछ उन्होंने सच्चाई बताई? हाँ, शहजादी यास्मीन के रिलेटेड जो उनके साथ उन्होंने क्या तोता बनाना या फिर उन्हें कैद करना वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया, या अलादीन को चुड़वाना वो भी उन्होंने बताया, सब कुछ बताया उन्होंने। अली ये गेम कब तक खेलने वाले हैं जफर के साथ? देखते हैं कि अब ये जो उन्होंने मिशन अली ने लिया था वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये गेम आगे बढ़ेगा ही, और अगर हो जाता है तो उसके आगे दूसरा मिशन आएगा। ओके, सो इसके अलावा क्या कुछ ट्विस्ट, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट आते ही रहता है। वह ये ट्विस्ट का अभी पता नहीं अभी, क्योंकि जो है वो तो चल रहा है कि हमें पता चल चुका है सब कुछ, हम मिशन में बहुत यू नो वी आर वेरी क्लोज टू द विनिंग पॉइंट, ऐसा वाला सिस्टम है। अरे नगेश दादा छोटे जिन्हों आज कितनी इतनी खुशी और इतनी कौन सी प्लानिंग सक्सेसफुल होने की बात हो रही है आज? तो आज मैंने अपने आका को बोला कि बांसुरी आप पोटली से लो, तो आज मैंने अपने आका को बोला कि आप बांसुरी अपनी पोटली से लो, जादुई पोटली से, क्योंकि वो भूल गए थे उनके पास जादुई पोटली भी है। तो मैंने उनको बोला कि जादुई पोटली से बांसुरी लीजिए और उसको बजाइए। तो पहले तो हमें बांसुरी का साउंड अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद हमें वो साउंड बहुत अच्छा लगा, और बुलबुल चाचा भी उनके वश में हो जाते हैं और नाचते रहते हैं उनके साथ, और ऐसे ही हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, तो पहली जैसे आवाज़ आपने कहा अच्छी नहीं आती, बाद में अच्छी आने लगती, तो वो कैसे हो जाता है, मतलब अचानक गंदी आवाज़ से अच्छी आवाज़? क्योंकि पहले वो सब कुछ याद नहीं करते कि उन्हें उनका मकसद क्या है, फिर उनको अपना मकसद याद आ जाता है तो वो एकदम अच्छे से बजाते हैं। उससे पहले जो गंदी आवाज़ आई थी तो उन्होंने अच्छे से नहीं बजाया था, और थोड़ा सोचा भी नहीं था कि मुझे इसके बारे में करना है, इसके बारे में शहजादी, अपनी अम्मी, अपनी मुल्क। क्या लगता है प्लान सक्सेसफुल होगा, सब धुन में आके सब क्या कुछ करो? प्लान तो सक्सेसफुल होगा या नहीं ये हमें भी पता नहीं है, क्योंकि अभी हम जाएंगे और आज रात सब कुछ हमें ये फैसला करना है कि आज रात को ही सब फैसला होगा कि जफर बगदाद से जाएगा या नहीं, और पूरे आवाम को हम ये बताएंगे कि अली और अलादीन दोनों एक हैं, क्योंकि शहजादी को हम पर शक है। थैंक यू।